इसमें जो आपको व्हील मिलता है वो अगर हम सेगमेंट से कंपेयर करें तो 30% व्हील की जो विडथनेस है वो ज्यादा है। 170 क्यूबिक फीट की इसकी आपको पेलोड बॉडी मिल जाती है। 50 के आसपास इसमें पानी की बॉटल्स रखी हुई है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है भावना चौधरी और आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ एक इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर। और ये जो इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर है ये है हाइलॉट डीवी। इस इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर में आपको जो फीचर्स मिलते हैं वो सेगमेंट के शायद ही दूसरे इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स में मिले। और इसकी जो सबसे खास बात है वो है इसकी पेलोड कैपेसिटी। इस इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर में आपको जो पेलोड कैपेसिटी मिलती है वो 688 किलोग्राम की मिलती है जो कि सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। अब 688 किलोग्राम की अगर पेलोड कैपेसिटी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि 1 टन के आसपास इसकी कैपेसिटी आराम से है, लेकिन जो पासिंग है वो 688 किलोग्राम है। अब अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर लेने का प्लान करते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में होता है कि रनिंग कॉस्ट कितना होगा, मेंटेनेंस कितना होगा। भाई अगर आपको रनिंग कॉस्ट और मेंटेनेंस के बारे में सोचना ही ना पड़े तो इस इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर की जो रनिंग कॉस्ट है वो 60 पैसे प्रति किलोमीटर है। तो आपका जो मेंटेनेंस है अगर 20,000 रुपए आता है तो इसमें आपका मेंटेनेंस वो सिर्फ घटकर 4 से 5 हज़ार रुपए रह जाता है। तो अगर आप रिटेल बिजनेस के पर्पस से इसे खरीदने का प्लान करते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप स्टार्टअप शुरू करने का सोच रहे हैं तो ये आपके लिए भी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है क्योंकि इसकी जो रेंज है वो काफी अच्छी है। तो चलिए आज के अपने इस वीडियो में हम लोग इस हाइलॉट डीवी को पूरी तरह से डिस्क्राइब करने वाले हैं। इसकी रेंज के बारे में बातचीत करेंगे, प्राइस के बारे में बातचीत करेंगे और जब इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर की बात आती है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है बैटरी और चार्जिंग टाइम, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि इसमें आपको वेरिएंट कितने मिलते हैं। इसमें आपको 4 वेरिएंट ऑफर किए गए हैं। इनमें से हमारे पास ये है हाइलॉट डीवी। और अगर फ्रंट डिजाइन की हम बात करें तो डिजाइन इसका काफी मिनिमल स्टाइलिंग के साथ इसका आपको डिजाइन मिल जाता है व्हाइट और ब्लैक कलर के साथ। अभी यहाँ आप सबसे पहले जब आप ड्राइवर पर्पज से, अभी मैं बात कर रही हूँ ड्राइवर पर्पज से, ड्राइवर पर्पज से आप यहाँ पर देखेंगे ये जो विंडशील्ड का एरिया है ये काफी ज्यादा वाइड है। मतलब अंदर जब आप बैठ के इसे ड्राइव करते हैं तो फ्रंट का आपको काफी क्लियर दिखाई देता है। ना सिर्फ क्लियर दिखाई देता है बल्कि वाइड भी दिखाई देता है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको फ्रंट में वाइपर भी मिल जाता है और ये वाला जो ब्लैक क्लैडिंग का पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको हेडलैम्प भी मिल जाते हैं हैलोजन बल्ब के साथ। नीचे की साइड भी आपको काफी अच्छी क्वालिटी की क्लैडिंग मिल जाती है। और अगर व्हील की बात करूँ, इसमें जो आपको व्हील मिलता है वो अगर हम सेगमेंट से कंपेयर करें तो 30% व्हील की जो विडथनेस है वो ज्यादा है। इसके साथ ही सेगमेंट में पहली बार आपको 200 mm का इसमें डिस्क ब्रेक दिया गया है। और इसी के साथ जो विंडशील्ड का पार्ट है वो अगर आपने नॉर्मल थ्री व्हीलर्स देखे होंगे तो उनमें इतना बड़ा पार्ट आई एम डैम श्योर आपको नहीं मिलने वाला है। इसमें भी आपको 30% ज्यादा विंडशील्ड को एनहांस किया गया है। साइड प्रोफाइल पर थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पर आपको रियर व्यू मिरर मिल जाते हैं। जो रियर व्यू मिरर है वो आपके शेक नहीं होते हैं, काफी अच्छी क्लियरिटी और विजिबिलिटी के साथ आपको रियर व्यू मिरर दिए गए हैं। इसके साथ ही ये जो आप डोर देख रहे हैं ये आपका जो डोर है ये इस एंगल पे आपका ओपन हो जाता है। यहाँ आप देखेंगे आपको इलेक्ट्रिक की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पर आपको डोर हैंडल दिया गया है, लॉकिंग के लिए आपको सिस्टम यहाँ पर मिल जाता है। एक और चीज है वो है आपकी ये, यहाँ पर आपको स्लाइडिंग मिरर्स मिल जाते हैं। यानी कि आप अंदर बैठ के अगर एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, अगर गर्मी का मौसम है, बाहर का थोड़ा सा आपको एंजॉयमेंट करना है तो यहाँ जो ये मिरर है आप इन्हें स्लाइडिंग के पर्पज से यूज कर सकते हैं। ये भी काफी अच्छी चीज इसमें आपको मिल जाती है। अब साइड प्रोफाइल में आगे चलेंगे थोड़ा सा। ये जो आप पेलोड बॉडी इसकी देख रहे हैं ये है आपकी 170 क्यूबिक फीट के आसपास। थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो मैंने आपको बताया था कि फ्रंट में इसमें डिस्क ब्रेक मिलते हैं लेकिन रियर में इसमें दिए गए हैं आपको ड्रम ब्रेक। इसके साथ ही अगर रियर दोनों व्हील्स की हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको 12 इंच के ही व्हील्स मिलते हैं। एंड रियर में अभी जो ये आप देख रहे हैं ये गाड़ी पूरी तरह से लोडेड है। आप यहाँ देख सकते हैं पानी की बहुत सारी बॉटल्स इसमें रखी हुई हैं। अब ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये एरिया काफी वाइड एरिया है, काफी हैवी है। 170 क्यूबिक फीट की इसकी आपको पेलोड बॉडी मिल जाती है। अभी आपने देखा है इसमें पानी की बहुत सारी बॉटल्स रखी हुई हैं, मैं बोलूंगी 50 के आसपास इसमें पानी की बॉटल्स रखी हुई हैं। और इसकी जो हाइट है इसकी हाइट इतनी अच्छी है कि काफी हैवी सामान भी आप इसमें कैरी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास सेम पेलोड बॉडी का ऑप्शन है, आपके पास और भी बॉडी के ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं। आप चाहें तो नॉर्मल प्लेन बॉडी भी ले सकते हैं और उसे अपने हिसाब से कस्टमाइज करा सकते हैं और अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं और डीजल और सीएनजी के मुकाबले बचत भी कर सकते हैं।
ये एक इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर है, और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर में जो सबसे ज्यादा इश्यू होता है वो होता है आपका चार्जिंग को लेकर, चार्जिंग और रेंज एंग्जाइटी हम लोगों को ईवी से बहुत दूर रखे हुए। सबसे पहली तो ये बात है कि इसमें सेगमेंट की सबसे बड़ी बैटरी मिलती है, इसके साथ ही इसकी जो रेंज है वो 150 किलोमीटर के आसपास क्लेम है। और अगर आप नॉर्मल सड़कों पर चलते हैं तो इन ट्रैफिक इन सिटी आपको ये 120 किलोमीटर के अबव रेंज निकाल कर देती है। अभी आप यहाँ पर ये जो सिस्टम देख रहे हैं, यहाँ पर आपका पूरा चार्जिंग सिस्टम है। अभी तक थ्री व्हीलर में आपने डीसी फास्ट चार्जर बहुत कम देखे होंगे, लेकिन इस थ्री व्हीलर में आपको डीसी फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन मिलता है। नॉर्मल जब आप कोई भी पैसेंजर व्हीकल या कुछ भी चार्ज करते हैं तो आपने देखा होगा कि चार्ज करने के लिए आपको एक कंपोनेंट यूज करना पड़ता है, कुछ वायर्स होते हैं, तो बहुत सारी आपकी जो चीजें हैं वो मेस्ड अप हो जाती हैं उस बीच में। लेकिन इसमें आपको क्या करना है, यहाँ जो आप ये देख रहे हैं ये है आपका चार्जिंग सॉकेट। तो चार्जिंग के लिए आपको ये नॉर्मल वायर मिलती है, और ये जो आप देख रहे हैं प्लग, ये आपका नॉर्मल स्विच में भी इंस्टॉल आप कर सकते हैं। तो मैं कहूंगी कि चार्जिंग को लेकर कोई भी ऐसा झंझट नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कंपोनेंट है या कुछ भी है, जस्ट आप इसे कहीं भी जहां आपको चार्ज करना है इसे खड़ा कीजिए, एक नॉर्मल जो वायर है वो इसमें प्लग इन कीजिए और इसके प्लग को अपना स्विच में प्लग इन कीजिए और ये हो जाएगी आपकी चार्जिंग स्टार्ट। और इसमें आपको डीसी फास्ट चार्जर का ऑप्शन भी मिलता है, आपको तीन चार्जिंग ऑप्शन मिलते हैं जिनके हिसाब से जो मैक्सिमम ये थ्री व्हीलर चार्ज होता है वो होता है 2.5 घंटे में, यानी 2.5 घंटे में इसकी बैटरी फुल हो जाती है। लेकिन अगर आप फास्ट चार्जिंग का यूज करते हैं तो सिर्फ 15 मिनट में 50 किलोमीटर तक के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इंटीरियर में और बात कर लेते हैं थोड़े से कंफर्ट की और फीचर्स की। सबसे पहली चीज जो मैंने आपको पहले भी बताई थी वो है इसकी विंडशील्ड। यू कैन सी द हेयर, आप लोग फ्रंट से पहले मुझे देखिए कि विंडशील्ड कितनी ज्यादा बड़ी है। यहां से आप देख सकते हैं काफी अच्छी क्लियर विजिबिलिटी मिलती है, मुझे भी काफी अच्छी मिली है। और मैंने बाहर से, मैं ये जो फ्रेम आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को भी इसका आइडिया हो जाए। अब थोड़ी सी बात करेंगे टेक्निकल चीजों की। तो यहाँ पर ये आपकी चाबी हो जाती है इंस्टॉल, यहाँ पर आप चाबी लगाएंगे और ये आपका हो जाएगा स्टार्ट। तो अभी ये जो आप हैंडल बार देख रहे हैं काफी स्मूथ और स्लीक इसमें हैंडल बार मिल जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको एक छोटी सी डिस्प्ले भी मिल जाती है। इस डिस्प्ले की हेल्प से आप अपनी ट्रिप की इंफॉर्मेशन, स्पीड की इंफॉर्मेशन, यहाँ पर बैटरी की इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको छोटा सा स्टोरेज स्पेस भी मिल जाता है। स्टोरेज स्पेस मैं इसे नहीं कहूंगी, यहाँ पर आप अपनी छोटी मोटी जो चीजें हैं वो कैरी कर सकते हैं। दूसरी ये सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर आपको स्पीकर्स भी मिलते हैं, हालांकि इसमें अभी स्पेस दिया गया है। इसमें आपको एफएम रेडियो का भी ऑप्शन मिल जाता है, आपको कुछ स्विचेस, बेसिक स्विचेस आपको यहाँ मिल जाते हैं। हजार्ड का स्विच है, पार्क लैंप, हेडलैम्प और वाइपर, ड्राइवर की पहुंच में सारे स्विचेस आपको मिल जाते हैं। और अगर हैंडल बार पर मिलने वाले कंट्रोल्स की बात करें तो हॉर्न का कंट्रोल आपको मिल जाता है, इंडिकेटर्स आपको यहाँ मिल जाते हैं, हाई बीम लो बीम आपको यहाँ मिल जाता है। और एक और बहुत अच्छी चीज वो ये है कि जब भी आप कोई पैसेंजर व्हीकल चलाते हैं या कुछ भी चलाते हैं तो आजकल आपको ना नेविगेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर भाई एक बड़ा अच्छा सा, बड़ा अच्छी सी क्वालिटी का आपको मोबाइल होल्डर या मोबाइल स्टैंड मिल जाता है, जिसे आप इसकी हेल्प से कंट्रोल भी कर सकते हैं। मतलब आपने मोबाइल लगाना है और ये आपने मोबाइल जो है इसकी शेप में पहुंचेगा, तो आपने टाइप कर देना है और आप सामने चलते चलते बड़े इजीली अपना जो रूट है वो यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लाइटिंग सिस्टम भी मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको लॉकिंग सिस्टम डोर पर कुछ ऐसा मिल जाता है। यहाँ पर नीचे की साइड आपको हैंड ब्रेक दिया गया है, ये भी काफी आपके अंडर कंट्रोल रहता है। यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीछे यहाँ पर आपको फायर एक्सटिंग्विशर मिल जाता है। इसके साथ ही अगर हमें पीछे देखना है कि भाई हमारे पीछे क्या रखा हुआ है, तो पीछे जो सामान रखा हुआ है उसके लिए यहाँ पर ड्राइवर के बैक साइड में भी आपको स्लाइडर मिरर मिल जाते हैं। हालांकि ये वाला जो एरिया है इसका, ये इसकी जो बॉडी है जिसमें ये एरिया आपका पूरा कवर है, लेकिन अगर आप दूसरी बॉडी के साथ जाते हैं, ओपन बॉडी के साथ जाते हैं, तो आप इसे स्लाइड करके अपने पीछे वाला जो एरिया है उसमें जो आपका सामान है वो यहाँ से देख सकते हैं। एक और चीज जो मैं बताना भूल गई, भाई गर्मियां आ रही हैं तो गर्मियों में पानी की बहुत ज्यादा प्यास आपको होने वाली है, तो ड्राइवर जो है वो वाटर बॉटल कहाँ रखेगा, तो उसके लिए अलग से यहाँ पर स्टैंड दिया गया है। आप यहाँ पर अपने पानी की बॉटल भी कैरी कर सकते हैं। ड्राइवर सीट की अगर मैं बात करूँ तो बड़े आराम से मैं बैठी हूँ इस पर, आप देख सकते हैं जितना स्पेस ड्राइवर सीट पे होना चाहिए उससे भी ज्यादा काफी एक्स्ट्रा आपको स्पेस इसमें मिल जाता है।
और यहाँ पर आपको मोबाइल चार्जिंग के लिए भी स्विच दिया गया है। तो ऑल ओवर अगर हम इंटीरियर की बात करें, कंफर्ट की बात करें ड्राइवर पर्पज से, तो इसमें आपको वो सभी फीचर्स मिल जाते हैं जिसकी एक ड्राइविंग करते समय ड्राइवर को नीड होती है, व्हीकल ऑनर को नीड होती है, वो सभी फीचर्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इसके साथ ही जो डैशबोर्ड की क्वालिटी है दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। इसमें काफी अच्छे शीट मेटल का यूज किया गया है, काफी देखने में ये आपको प्रीमियम लगता है। तो अब बात आती है मोटर की, पावर की, टॉर्क की और ट्रांसमिशन की। तो इसमें आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर मिलती है और इस मोटर की जो पीक पावर है वो 10.96 किलोवाट के आसपास है। इसके साथ ही इसमें जो टॉर्क मिलता है वो ध्यान से सुनिएगा, 88.55 न्यूटन मीटर का इस पेलोड व्हीकल में आपको टॉर्क मिलता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ही आता है और इसकी जो टॉप स्पीड है वो भी काफी अच्छी है, 45 किलोमीटर पर आवर के आसपास इसमें आपको टॉप स्पीड मिल जाती है। और अगर मैं इसकी बॉडी हाइट की बात करूँ तो ये भी हाईलोड डीवी है और इसकी जो बॉडी हाइट है वो 2100 mm के आसपास है। और अगर आप हाईलोड पीवी पे जाते हैं तो उसकी जो हाइट है वो 1800 mm के आसपास है। इस पेलोड व्हीकल के साथ आपको एडवांस सॉफ्टवेयर अपडेट भी देता है और इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप अपने मोबाइल में इसकी जो लाइव लोकेशन है वो ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा आप चेक कर सकते हैं कि आपके आसपास चार्जिंग पॉइंट कहाँ पर है और आप मेंटेनेंस अलर्ट भी इसमें चेक कर सकते हैं, क्योंकि पेलोड व्हीकल है तो डेफिनेटली ये ज़्यादा चलेगा तो आपको ज़्यादा मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी। मेंटेनेंस कॉस्ट तो हालांकि इसकी जीरो है लेकिन मेंटेनेंस अलर्ट की जरूरत होती है, क्योंकि ऐसे व्हीकल का टाइम पर मेंटेनेंस कराना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो यूलर मोटर के इस पेलोड व्हीकल की जो टैगलाइन है वो बहुत ही ज्यादा सॉलिड है और वो है बिल्ट टू कैरी एवरीथिंग, बिल्ट टू कैरी एवरीवेयर एंड बिल्ट टू कैरी इन इंडिया। यानी कहीं भी किसी भी रास्तों पर लेकर जाइए, कुछ भी पेलोड इसमें लेकर जाइए, ये आपका हर रास्ते पर हर पेलोड के साथ साथ देने वाला है। यानी पहाड़ी रास्ता हो या नॉर्मल रोड हो, बिल्ट टू कैरी एवरीथिंग एवरीवेयर का मतलब यही होता है कि कुछ भी आप इसमें कैरी कर सकते हैं और कहीं भी इसे लेकर जा सकते हैं। इस तरीके से इसे डिजाइन किया गया है। ये था मेरी तरफ से इस पेलोड व्हीकल का एक डिटेल रिव्यू। मैंने आपको इसकी रेंज के बारे में, फीचर्स के बारे में, एक्सटीरियर, इंटीरियर, पेलोड व्हीकल कैपेसिटी, सभी चीजें मैंने आपको बताई है। तो मेरा आप लोगों से सजेशन यही है कि अगर आप एक स्टार्टअप प्लान करने का सोच रहे हैं या फिर आप रिटेल में बिजनेस प्लान कर रहे हैं या ऑलरेडी इस बिजनेस में हैं तो आप इस पेलोड व्हीकल के साथ जा सकते हैं। रेंज आपको काफी अच्छी खासी मिलेगी, प्लस मॉडर्न इंडिया के लिए मॉडर्न फीचर्स भी इसमें आपको मिल जाते हैं। तो चलिए मैं आपसे मिलूंगी एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।